हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। जिसके ध्यान से तुम्हारा मन विचलित है वही अयोध्या नरेश सगर तुम्हारे योग्य है। केशिनी और तुम्हारा विवाह निश्चित है, अतः जितना शीघ्र हो सके अपने विवाह का प्रस्ताव धवलपुरी भेज दो। नारायण नारायण, आपने सच कहा था, सगर को रोकना टेढ़ी खीर है। जिस प्रकार सगर युद्ध कर रहा है, संभव है कि सबको परास्त करके स्वर्ग लोक तक आ जाए। आप तो जानते हैं देवर्षि, पृथ्वी लोक पर हर किसी के बल और शक्ति की सीमा है। नारायण नारायण नारायण, अर्थात सागर से भी महापराक्रमी कोई पृथ्वी लोक पर है। आप स्वयं ही देख लीजिए देवर्षि। राजा सागर, यदि आप अपनी पराजय देखना नहीं चाहते तो ये रणभूमि छोड़कर तुरंत भाग जाइए। ये मेरी चेतावनी है। हमने ऐसी बहुत चेतावनियां सुनी हैं और उनका उत्तर उन पर विजय प्राप्त करके दिया है। वो और होंगे जिन्होंने आपके सामने आत्मसमर्पण किया होगा। हमें तो रणभूमि में अपनी विजय पताका फहराने की आदत हो चुकी है। आप नहीं मानते तो हम अपनी बात का प्रमाण दिए देते हैं। आक्रमण! आक्रमण! केशिनी हूँ राजा सगर, आप रुक क्यों गए? अयोध्या नरेश, नारी पर शस्त्र नहीं उठाते। ये युद्ध भूमि है अयोध्या नरेश, यहाँ जो कोई भी खड़ा है योद्धा है। स्त्री या पुरुष नहीं, योद्धा मात्र है। चलाइए बाण। नहीं राजकुमार,
शस्त्र शत्रु पर उठाया जाता है और नारी शत्रु नहीं होती। ना अरि अर्थात शत्रु नहीं, नारी तो मित्र होती है, मित्र। पहले भगनी, फिर माता, फिर स्त्री और तत्पश्चात पुत्री के रूप में वो पुरुष से मित्रता निभाती है। अयोध्या की परंपरा के अनुसार नारी पर अर्थात मित्र पर कभी प्रहार नहीं किया जाता और नारी का तो सदैव सम्मान किया जाता है। राजकुमारी, मैं आप पर कभी प्रहार नहीं करूंगा। आप भूल रहे हैं राजा सगर, युद्ध भूमि में जो आपके सामने शस्त्र लेकर खड़ा है वो आपका शत्रु है। अगर आपने उस पर प्रहार नहीं किया तो वो आप पर प्रहार कर देगा। अयोध्या नरेश, ऐसे ही बिना प्रतिकार किए खड़े रहेंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे अच्छा है ये रणभूमि छोड़कर भाग जाइए। अयोध्या नरेशों ने रणभूमि में अपने प्राण देना सीखा है, राजकुमारी रणभूमि से भागना नहीं सीखा। धनुष उठाओ अयोध्या नरेश, उठाओ धनुष। महाराज, हमारी पुत्री की दशा देख रहे हैं आप? हाँ महारानी, आज तक वो जब भी युद्ध से लौटी है विजय घोष उससे पहले धवलपुरी में गूंज उठते थे, लेकिन आज कोई जय घोष नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई खुशी नहीं, चारों तरफ खामोशी है। युवराकी, प्रणाम पिताश्री। सुखी भव। प्रणाम माताश्री। सदा विजयी भव। युद्ध हुआ पुत्री? जी पिताश्री। कौन शत्रु हमारी धवलपुरी पर आक्रमण करने निकला था? अयोध्या नरेश। अयोध्या नरेश? युद्ध का परिणाम? परिणाम वही जो आज तक हर युद्ध के पश्चात हुआ है माताश्री। आपका आशीर्वाद सदा विजय भव, व्यर्थ नहीं जाता। यदि विजय तुम्हारी हुई है पुत्री तो तुम्हारे मुखमंडल पर विजय की चमक क्यों नहीं? तुम तो जीत कर भी हारी हुई लग रही हो। युवरागी, अयोध्या नरेश नारी पर शस्त्र नहीं उठाते, शस्त्र शत्रु पर उठाया जाता है और नारी शत्रु नहीं होती। ना अरि
अर्थात शत्रु नहीं। नारी तो मित्र होती है, मित्र। क्यों? क्यों मुझे अयोध्या नरेश की याद आ रही है? प्रेम रोग लग जाए प्रेमियों को जैसे, प्रेमियों के मन को संभाले कोई कैसे? प्रेमी की छवि जब नैनों में समाए, प्रेम अगन फिर बुझने न पाए। वीर भी है कितना, दयालु भी कितना, अयोध्या नरेश मुझे लगे अब अपना। प्रेम के ये धागे कैसे बंधने लगे, प्रेम के संधि से जैसे मिलने लगे। मैं राजकुमारी केशिनी हूँ राजा सगर, आप रुक क्यों गए? ये तुम्हें क्या हो गया है सगर? बार बार केशिनी की याद क्यों आ रही है? कहीं मुझे केशिनी से प्रेम तो नहीं हो गया? केशनी, जिसके ध्यान से तुम्हारा मन विचलित है वही अयोध्या नरेश सगर तुम्हारे योग्य है। तुम जैसी विद्वान और सुंदर तथा वीरांगना के लिए सगर जैसा न्यायी, प्रतापी, सत्य का उपासक, पराक्रमी पति ही योग्य है। पुत्री, तुम दोनों के मिलन से ही सृष्टि का विकास और कल्याण होने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। नारायण नारायण नारायण, देवादि देव महादेव। वैसे तो योद्धाओं को अपने युद्ध कभी नहीं भूलते, किंतु अयोध्या नरेश और केशनी के बीच का युद्ध सारे विश्व को स्मरण रहेगा। वो क्यों देवर्षि? नारायण नारायण, इस युद्ध में प्रेम की नींव जो पड़ी है मैया, उस प्रेम की जो एक दिन पवित्र गंगा जल बनकर सारी धरती को पाप मुक्त करने वाला है। सगर, आज तुम्हारा मन पूजा में नहीं है। बार बार ध्यान लगाते हो, बार बार ध्यान टूटता है, और मेरे स्थान पर तुम्हें एक राजकुमारी के दर्शन हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं वत्स, तुम्हारी बंद पलकों में जो मूर्ति है
वो राजकुमारी केशनी की है। मैं क्षमा याचना करता हूं देव, मेरा अपने मन पर काबू नहीं रह रहा, मैं लज्जित हूं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं वत्स, तुम कुछ नहीं कर रहे, विधि का विधान तुमसे ये सब करवा रहा है। केशनी और तुम्हारा विवाह निश्चित है, अतः जितना शीघ्र हो सके अपने विवाह का प्रस्ताव धवलपुरी भेज दो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम ऋषिराज। कल्याण मस्तु। आइए आसन ग्रहण कीजिए। ये सब क्या है? धवलपुर नरेश, अयोध्या नरेश ने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंददायक संदेश देकर आपके पास भेजा है। आनंददायक संदेश है तो शीघ्र कहिए और हमारी सभा को आनंदित होने दीजिए। महारानी, आपकी सुपुत्री युवरागी केशनी के लिए अयोध्या नरेश ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। त्रिलोकीनाथ की यही लीला है कि केशनी और सगर का विवाह हो और क्या, इस मृत्युलोक में गंगा का अवतरण हो। क्या तुम नहीं चाहते कि इस मृत्युलोक में गंगा अवतरण हो? बात तो यह है ऋषि प्रवल कि मृत्युलोक में ही गंगा की परम आवश्यकता है। फिर तर्क की दीवार मत खड़ी करो, उस पर चढ़कर भविष्य मत देखो, ऋषियों के वचनों पर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा। किंशुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रं आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व अनन्द्रिक्षरारिजवासन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यं समर्यमासम्।